नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 12 दिसंबर 2022 को कोर की माइनिंग बंद हो जाएगी जो फ्री में माइन हो रहे हैं सतोशी माइनिंग एप्लीकेशन के जरिए। तो आप सभी लोग इंतजार कर रहे होंगे कि वो अपडेट कब आएगी और एग्जैक्ट टाइम क्या है जब माइनिंग बंद होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल क्लियर तस्वीर आपके सामने आ जाएगी। मैं आपको सब कुछ साफ साफ यहाँ पे बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ। कुछ दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि माइनिंग कब बंद होगी। आप सोच रहे होंगे कि आज रात के 12 बजे हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से माइनिंग बंद हो जाएगी, लेकिन आप दूसरी तरफ देख रहे होंगे कि सतोशी माइनिंग एप्लीकेशन में जो सर्कुलेशन में चल रहे हैं वो इतने नहीं हैं कि वो 525 मिलियन तक पहुंच जाए, 525 मिलियन पॉइंट 6 वहाँ पे पहुंच जाए। तो दोस्तों चलिए, यहाँ पे सबसे पहले तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएगी। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि कैलिफोर्निया में अभी फ़िलहाल क्या टाइम है वो टाइम देख लेते हैं और उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे सर्च किया कैलिफोर्निया टाइम नाउ, तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आधी रात है, यानी कि 12 दिसंबर जस्ट अभी से 2 मिनट पहले वहाँ पे स्टार्ट हुआ है, जबकि हमारे यहाँ क्या टाइम हो चुका है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1:30 बज चुका है। यानी कि जो टाइम में डिफरेंस है वो कितना है, तो यहाँ से साफ साफ आप लोग देख सकते हैं कि 13 घंटे का टाइम में डिफरेंस है। अब यहाँ से एक बात तो समझ आ गई कि यहाँ से 24 घंटे तो यहाँ से कैलिफोर्निया के टाइम के हिसाब से अभी भी बचे हैं, जबकि हमारे टाइम के हिसाब से तो 11 घंटे के आसपास ही मुश्किल से बचे हैं। तो यहाँ पे 24 घंटे कैलिफोर्निया के टाइम के हिसाब से बचे हुए हैं। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग चलते हैं जो हमारी सतोशी की माइनिंग एप्लीकेशन है। यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे कितना डिफरेंस है टाइम में और आप लोग के सामने ये सब कुछ आ गया कैलिफोर्निया के टाइम में। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कैलिफोर्निया के टाइम की, लेकिन अभी यहाँ पे देखिए सर्कुलेशन में कितनी है, तो 523.62 मिलियन, जबकि टोटल माइन कितने होने हैं, तो माइन होने हैं 525 और यहाँ पे फिर 6 आ जाएगा, इतने माइन होने हैं, यानी कि 2 मिलियन के आसपास और माइन होने हैं। अभी आपको यहाँ से लग रहा है कि ये माइनिंग अभी नहीं कंप्लीट होगी 12 दिसंबर को, तो यहाँ पे भी दो बातें हैं दोस्तों। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूँ, अभी मैंने आज ही अपने जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे हैश कार्ड वहाँ पे पोस्ट किया है। देखिए अभी मेरे पास कोई हैश कार्ड नहीं है, वो मैंने एग्जीक्यूट कर दिया है। अभी भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको ज़रूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ये भी मैं इस वीडियो में कहना चाहूँगा। तो वहाँ पे मैंने एक रो कार्ड शायद वहाँ पे दिया है, तो वो आज मिला है मेरे को, लेकिन उससे पहले मेरे को जो रो कार्ड मिला था तो वो कब मिला था, वो मिला था मेरे को 3 दिसंबर को। उसका भी स्क्रीनशॉट साथ में दे रहा हूँ, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर देख सकते हैं कि 3 दिसंबर को भी मैंने एक और कार्ड वहाँ पे पोस्ट किया था, जबकि ये इतनी जल्दी नहीं मिलते हैं। जो वो 3 दिसंबर वाला मेरे को मिला था वो 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया था जब वो मेरे को मिला था, लगभग 1 महीना हो गया था मेरे पास कोई कार्ड नहीं आ रहा था, रॉक कार्ड, एंट कार्ड, बीटल कार्ड, कोई भी कार्ड नहीं आ रहा था जो हम लोग एक्सचेंज करते हैं माइनिंग की स्पीड बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ 9 दिन बाद ही मेरे को दूसरा कार्ड मिल गया और वो भी पावरफुल कार्ड मिल गया जिससे ज़्यादा स्पीड बढ़ती है। तो यहाँ पे बात क्या है, एक तो टाइम का जो मैटर है उसमें भी दो चीज़ें हैं। पहला तो ये है कि हमने कैलिफोर्निया का जो टाइम देख लिया उसमें 13 घंटे का फर्क है, यानी कि हम लोग 13 घंटे उनसे आगे हैं। और दूसरी बात, जहाँ पे इन्होंने वाइट पेपर में मेंशन किया हुआ है 12/12/2022 और रात के 12 बजे, तो हो सकता है इनकी कोई भी कंट्री हो जहाँ पे टाइम जोन जो है उसमें और भी ज़्यादा डिफरेंस हो, 20 घंटे का डिफरेंस हो या फिर 18-19 घंटे का डिफरेंस हो। एक तो ये बात हो गई और दूसरी ये हो गई कि ये हमारे को अब जल्दी जल्दी हैश कार्ड दे रहे हैं। आप लोग भी शायद नोट कर रहे होंगे, कुछ लोगों ने भी नोट किया होगा, उनको हैश कार्ड पिछली बार की बजाय अब की बार जल्दी मिल गया होगा। तो दोस्तों हमारी माइनिंग यहाँ से बिल्कुल साफ नज़र आ रही है कि हमारी माइनिंग यहाँ से एंड होने वाली है। और लेटेस्ट अपडेट, आगे की अपडेट क्या आएगी माइनिंग एंड होने के बाद, मेन नेट लॉन्च होगा या कुछ टाइम लेगा, वो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन जो वाइट पेपर में टाइम है 12 दिसंबर 2022,
तो इनका टाइम है जहाँ से ये पूरा सिस्टम ऑपरेट हो रहा है, तो उस सिस्टम के हिसाब से ये एग्जैक्ट टाइम पे ही हमारी माइनिंग एंड होगी, चाहे वो यहाँ पे हमारे यहाँ पे हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से चाहे वो 14 दिसंबर के मॉर्निंग के 9 बजे हो जाए, दोपहर के 12 बजे हो जाए, 2 बजे हो जाए, लेकिन उनके टाइम के हिसाब से यही होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपको अच्छे से समझ आया होगा कि एग्जैक्ट टाइम क्या है और कैसे क्या होना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।